हे हैक, व्हाट्स अप? मैं वापस आ गया। मेरा नाम अरसलान है और मैं अरसलान अली 36.blogspot.com से हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने अपने ब्लॉग का जो यूज़र एड्रेस होता है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि एक और बंदे का नाम था वो मेरे ब्लॉग के नाम जैसा था, तो उसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने अपने ब्लॉग का नाम कर दिया अरसलान अली 36.blogspot.com। वही मेरा ई मेल एड्रेस भी है, अरसलान अली 36@gmail.com। तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चन या फिर कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे ब्लॉग या फिर मेरे मेल पे भेज सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। ओके, सो जैसे आपने पिछले लेसन में देखा था, हम लोगों ने अपनी कार की बॉडी पे मटेरियल लगा रहे थे, और हम लोगों ने ये क्रोम रोम पे मटेरियल लगा दिया था, और ये पीछे की लाइट्स के भी मटेरियल बाकी हैं, और ये शीशे पे मटेरियल लगा दिया था। ठीक, अब हम लोग वापस आते हैं। वापस मैंने ये सारी अपनी ज्योमेट्री छुपा दी है गोल्डन गेट ब्रिज की, जो भी हमारी ज्योमेट्री थी, क्योंकि वो अननेसेसरीली अभी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी सीन के नेविगेशन में थोड़ी दिक्कत कर रही थी, सो मैंने इसको छुपा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये अपनी जो हेडलाइट है, हेडलाइट पे टेक्सचर और मटेरियल लगाऊंगा ताकि हम लोग अपनी हेडलाइट को रेंडर कर सकें। अभी मैं अपने हेडलाइट में दिखा देता हूँ कितने कॉम्पोनेंट्स हैं। एक ये फ्रंट, जो फ्रंट ग्लास रहेगा हेडलाइट का कवर, उसके बाद फिर ये हेडलाइट में ये इनर मटेरियल जिसमें हम लोग क्रोम असाइन करेंगे, ये वाला मटेरियल इसमें हम लोग मटेरियल टेक्सचर असाइन करेंगे, इसमें एक में टेक्सचर असाइन करेंगे और एक मटेरियल असाइन करेंगे, और ये साइड में हम लोग इस पर ऑरेंज कलर की एक लाइट असाइन करेंगे। ठीक है, और यही मटेरियल हमारे दूसरी तरफ हम कॉपी कर देंगे। सो उसके लिए पहले मैं इसका पाइवट ज़रा सही जगह पर ले आऊँ। अभी मैं थोड़ी सी इसमें आर एंड डी कर रहा था, सो ओके। और जो इसके लिए जो अभी हम टेक्निक करेंगे उसके लिए आपके पास यूवीज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यूवीज नहीं होंगी सो आपको थोड़ी दिक्कत होगी वो चीज़ करने में। वैसे कार की लाइटिंग में हमको यूवीज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे हम लोग को यूवीज की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग क्या करेंगे इसमें। मैं इसका पहले मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने सबसे पहले जो उसका मटेरियल लगा के रखा था, मैं इसको सेव करूँगा, और मैंने इसको पहले से ऑरेंज कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर मटेरियल लगाऊँगा अपना, असाइन करूँगा। तो मैं फ़ोटोशॉप खोल लेता हूँ एक मिनट के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में आ गया अपने। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक छोटा सा टेक्सचर पैटर्न चाहिए जिसको मैं टाइल कर दूँगा, और फिर हमारे जैसे आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक के पास जाएँ तो उसमें देखें एक ऑरेंज कलर का जो पार्ट आता है, तो वो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, तो हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है, सो उसको बनाने के लिए मैं पहले अपना कैनवास एक सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरा कैनवास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने कैनवास को, क्योंकि मैं टाइल वाला टेक्सचर बनाऊँगा, तो इसके पहले प्रॉपर साइज़ रख लें ताकि हमको टाइल करने में प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसको 3x3 कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। मैं यहाँ पे इमेज और ये कैनवास साइज़ में आके आप इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, और इसको बैकग्राउंड में कलर इसका फिल कर दिए ब्लैक से। सो मैं कंट्रोल और पी से बैकग्राउंड इसका फिल कर दूंगा, और शो में जाऊंगा व्यू से, और फिर ये मैं ग्रिड को अपनी ऑन कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर हूँ, और मैं ग्रेडियंट टूल से ऐड करूँगा, जी प्रेस करूँगा, मैं जी प्रेस करूँगा, मेरा ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और ग्रेडियंट में आपके पास कई किस्म के ग्रेडियंट होते हैं, तो मैं ये डायमंड पैटर्न वाला ग्रेडियंट लूँगा, और मैं ब्लैक टू वाइट लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा सेंटर पे, और मैं इसको शिफ्ट ड्रैग पकड़ूँगा, और इसको नीचे तक ला के एकदम छोड़ दूँगा। सो मेरा को एक ये डायमंड शेप का ग्रेडियंट बन जाएगा मेरा। मैं इसकी एक्स्ट्रा शो एक्स्ट्रा हाइट, अब ये मेरे पास एक डायमंड शेप का ग्रेडियंट आ गया। अब मैं किसका क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर लूँगा JPEG अपने डेस्कटॉप पे, या फिर अपने सोर्स फोल्डर में जहाँ पे भी होगा, तो मैं वहाँ पे अपना सेव करता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ। ओके, सो मैंने अपनी फाइल सेव कर ली, डायमंड ग्रेडियंट। अब मैं इसको खोलता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके डिफ्यूज़, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ग्रेडियंट कैसा आएगा, मतलब कि मुझे इसको टाइल वाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा बहुत छोटा सा आएगा। तो मैं इसके लिए लैम्बर्ट चुन लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने हमने पहले लेसन में डिस्कस किया था कि वीरे पे जो वीरे के जो मटेरियल होते हैं वो टेक्स्चर्स को इतनी अच्छे प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं करते हैं। सो मैं फाइल लोड में जाऊँगा, यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फाइल में आके सोर्स इमेजेस, सोर्स इमेज में मैं यहाँ पर डायमंड ग्रेडियंट करके मैंने सेव किया, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इस पर ये डायमंड ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सा आ रहा है, तो हमें इतना कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको टाइल कर लेता हूँ 10-10 बार। सो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे कुछ पता चलना शुरू हुआ है, पर ये फिर भी अभी हमारी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बड़ा है। सो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं,
उसके बाद फिर ये भी हमारा पैटर्न इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे इस पे मेश पे यूवीड हमारी लेड है प्रॉपरली। अगर आपकी यहाँ पे यूवीड नहीं ले लूँगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ये चीज़ का अचीव करने में। सो बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी यूवीज को ले कर लें, और अगर आपके पास यूवीज़ नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे ले कर सकते हैं। मैं इधर आऊँगा एनिमेशन मॉड्यूल में जाऊँगा, और सॉरी एनिमेशन में नहीं, मैं पॉलीगन में जाऊँगा और पॉलीगन में जाके मैं इसकी डिलीट यूवीज़ कर दूंगा। सो अभी इसके पास यूवीज़ एकदम नहीं है तो ये एकदम ब्लैंक है आ दिखा रहा है। और मैं यूवीज़ खोलने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपोर्ट सेलेक्शन करूँगा और एक्सपोर्ट ओबीजे सेलेक्शन। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपने टेम्प्रेरी फोल्डर जो मैंने बना के रखा था उसमें 01 ओबीजे करके सेव कर दूँगा। मेरे पास पहले से मौजूद है कि मैं सेव कर सक चुका हूँ। उसके बाद मैं हीडेस खोलूँगा जो मेरा हीडेस यूवी लेआउट है। इसके लिए मैंने पूरा इलाबरेट ट्यूटोरियल बना रखा है ताकि आप हीडेस में कैसे यूवी अनराव करते हैं वो सीख सकें। नहीं तो कोई नहीं, मैं आपको एक ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ। मैं इधर आया, उसके बाद फिर मैं डेस्कटॉप पे, मेरे यहाँ पे फाइल सेव है, मैं इधर आया टेम्प सोर्स इमेजेस टेम्प्रेरी, मैं इसको कॉपी करूँगा इसका एड्रेस और मैं अपने हीडेस में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।